धन्यवाद प्रशांत जी, आपकी तबीयत वैसे ठीक नहीं लग रही अभी भी। अंत में मैं इस सत्र के अध्यक्ष राकेश जी से कहूंगा, और दरअसल ये जो प्रस्ताव लिखा गया, इस प्रस्ताव के मूल लेखक राकेश जी ही हैं, तो उनसे कहूंगा कि चर्चा को समेटते हुए संक्षेप में कुछ कहें, फिर उसके बाद ये सत्र समाप्त होगा। एक बात मैं बता दूं, किसी को अगर चाय की तलब लग रही हो तो चाय कमरे के अंदर नहीं आएगी, चाय ब्रेक भी नहीं होगा, जहां पे हमें लंच मिला था वहां जाके चाय मिल सकती है, वो चल रही है। और ये पहले से बता दूं कि यहां से डिनर करके जाना है हमें। इसके बाद का जो सेशन होगा वो सेशन है जिसकी हम सब इंतजार कर रहे होंगे, वो सेशन है कि स्वराज अभियान का भविष्य क्या हो, हमें भविष्य में राजनीति के बारे में क्या निर्णय करना है, उसके बारे में प्रस्ताव होगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वोटिंग भी करेंगे उसके बारे में। जैसे गुड़गांव में हमने वोटिंग की थी ना, उसी तरह से वोटिंग करेंगे। और वो करके 7:30 बजे हमारा ये सत्र समाप्त होगा, और 7:30 बजे डिनर करेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। तो राकेश जी से मैं आग्रह करूंगा, सभी साथियों से आग्रह करूंगा, कृपया बैठ जाएं, और पीछे जो साथी कोने में खड़े हैं, भाई या तो काम है तो काम कर लीजिए, नहीं तो बैठ जाइए। पीछे कोने में जो खड़े हैं, एक अलग सा ग्रुप बना के जो साथी खड़े हैं वो न करें, और वहां रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप उसे फैला लीजिए, एक जगह पे भीड़ ज्यादा खड़ी ना हो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, बैठ जाइए, खड़े नहीं रहे सब साथी। ये मैंने लगता है चाय की अनाउंसमेंट गलत मौके पे कर दी। नहीं नहीं, और ऐसा नहीं कि चाय अभी मिल रही है, चाय अगले 1.5 घंटे तक मिलती रहेगी, ऐसा आप चिंता ना करें, खत्म नहीं होने जा रही चाय। तो मेरा सुझाव है कि राकेश जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो चाय वाय आप तब पी सकते हैं। फिलहाल आप इस सत्र के अध्यक्ष राकेश सिन्हा जी की कंक्लूडिंग टिप्पणी सुने। थोड़ा सा माहौल बनाए रखिए, यहाँ पे आना जाना इतना ज्यादा हो रहा है, ये जो मछली बाजार टाइप सा सीन हो जाता है वो एक संगठन के लिए ठीक नहीं है। मैं फिर सब साथियों से आग्रह कर रहा हूं इस कमरे में, कृपया बैठ जाएं, जो बात हो रही है उसे सुने, उस पे फोकस करें, और ये बिल्कुल आवाजाही का जो माहौल बना रखा है वो ना कीजिए, अफरा तफरी में ठीक ढंग से बात नहीं हो पाती, तो ध्यान से कंसंट्रेट करके सुने जी। धन्यवाद योगेंद्र जी। दोस्तों, ये राजनीतिक प्रस्ताव आप लोगों के बीच गया, आप लोगों ने इतने सारे अलग अलग समूह बनाकर इस पर सामूहिक चर्चा भी की, और उन समूहों की फीडबैक एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोगों के सामने आई भी। आपने प्रशांत जी का रिमार्क्स भी इस पर सुने। मुझे आशा है कि इसका एक प्रिंटेड कॉपी शायद सबको आज या कल में मिल जाएगी। तो इसके बारे में मुझे, इसके डिटेल्स के बारे में, इसमें क्या चीज़ें लिखी उसमें जाने की तो ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने वो दृष्टिकोण रखना चाहूँगा जिसके परिप्रेक्ष्य में, अगर आप आगे जब इसको पढ़ेंगे उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो शायद इसका मतलब कुछ ज़्यादा स्पष्ट आपके सामने आएगा। जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि जो स्थिति आज है, ऐसी भीषण स्थिति हम लोगों के अपने जीवन काल में देश में कभी नहीं रही। जो जनरल सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी है पूरे देश में, जो मोहभंग की प्रक्रिया चल रही है सरकार से और व्यवस्था से, और ये इतनी जल्दी जल्दी हो रही है। अब निराशा पहले भी हुई है जनता को सरकार से, और उसी निराशा की वजह से जनता ने सरकारों को एक के बाद एक बदला भी है, लेकिन पिछले 5 साल में जो नकारा है सरकारों को, वो सिर्फ सामान्य निराशा के हिसाब से नहीं है, वो एक ज्यादा गहरे मोहभंग का सूचक है।
और ये मोहभंग क्यों हो रहा है वो भी शायद हम लोगों के सामने स्पष्ट है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम आम आदमी के सामने, हम लोगों में ये विचार बनता है कि जब ये लोकतंत्र है और हम सरकार को चुन रहे हैं तो सरकार हमारे भले के लिए काम करेगी। लेकिन जो अर्थव्यवस्था हम लोगों ने अपनाई है पश्चिम की एकदम अंधी नकल पर, उस अर्थव्यवस्था के मूल में आम आदमी का हित नहीं है। उस अर्थव्यवस्था का दर्शन सिर्फ इस बात पर केंद्रित, व्यवस्था आम आदमी से लूट खसोट करके जो मेहनतकश लोग उत्पादन करते हैं उस उत्पादन के मूल्य को उनसे ले करके उसको उद्योगपतियों के मुनाफे में बदल दे। और इसका परिणाम ये है कि इस समय देश की जो कुल संपत्ति है उसका आधा हिस्सा देश के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं उनके कब्जे में है। देश में कुल मिलाकर 90 लोग ऐसे हैं जिसमें से एक एक की संपत्ति 6,064 करोड़ या उससे ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा है वो 1,60,000 करोड़ के करीब है। और दूसरी तरफ, ये तो 90 लोग हुए, दूसरी तरफ 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जो इस तरह की आबादी है जिसकी पारिवारिक आय, इंडिविजुअल आय नहीं, पारिवारिक मासिक आय सिर्फ 6,400 रुपए है प्रति माह एक परिवार के लिए। तो गैर बराबरी का ये बड़ी खाई, ये तो समुद्र जैसा है गैर बराबरी के, ये निश्चित रूप से लोगों को निराश करता है क्योंकि आशा तो कुछ और थी और हो एक उसका एकदम विपरीत रहा है। अगर हम ये देखना चाहें बहुत सीधे तरीके से, कई नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं लोगों से मूल्य उगाही करके उनके मेहनत का फल उनसे लूट कर मुनाफे में बदलने के, उसमें एक तरीका है जिसको काफी लंबे अरसे से चल रहा है जिसको टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। गांव और शहर के बीच में जो आदान प्रदान होता है, जो चीजें गांव शहर से खरीदता है वो महंगी होती जा रही हैं और जो गांव का उत्पाद है वो शहर वालों के लिए सस्ता है रिलेटिवली, और इस तरह से जो गांव में उत्पादन होता है जिस भी चीज का हो वो उनसे लूटकर शहर के पास आ जाता है। और ये सिर्फ इस तरह की लूट सिर्फ देश के अंदर नहीं हो रही है, देशों के बीच में भी हो रही है। एक छोटा सा साधारण सा मैकेनिज्म मैं आपके सामने रखता हूं, वो है एक्सचेंज रेट का मैनिपुलेशन। अगर आप देखेंगे रुपए का मूल्य डॉलर के सापेक्ष, एक डॉलर आजकल 67-68 रुपए के बीच में चलता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ रुपए का एक दूसरा मूल्य भी होता है जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी मूल्य कहते हैं, यानी रुपए से हम लोग देश में क्या खरीद सकते हैं और डॉलर से अमेरिका में क्या खरीदा जा सकता है उसका कंपैरिजन करें तो एक डॉलर कुल 20 रुपए के बराबर होता है, लगभग 20 रुपया, कभी 18 हो जाता है, कभी 21 हो जाता है। यानी डॉलर का एक्सचेंज रेट उसके वास्तविक मूल के 3 गुना से भी ज्यादा है। इसका मतलब जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने इतना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया और इतना इंपोर्ट हमारा है, इतना एक्सपोर्ट हमारा है, जब हम 60 रुपए का माल विदेशों को बेचते हैं तो हमें 20 रुपए मूल्य के बराबर एक डॉलर मिलता है, और जब हम 20 रुपए के
डॉलर के बराबर का माल उनसे खरीदते हैं तो हम उनको 60 रुपया देते हैं। तो दोनों तरफ से लूट होती है। तीसरी चीज आजकल जो नई बढ़ती जा रही है वो है बैंकिंग प्रैक्टिस, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा हाल के समय में, और इसके बारे में इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूंगा। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कुल डिपॉजिट्स लगभग 97 लाख करोड़ है, और उसमें से लोन में जो दिया गया है वो लगभग 75 करोड़ रुपए है, 75 लाख करोड़ उसमें से लोन है। जो लोन दिया जाता है उसको बैंक अपना एसेट मानते हैं, क्योंकि उससे उनको इंटरेस्ट मिलता है और वो उनका ड्यू बैक है, तो ये उनका एसेट है। इस एसेट में से कुछ एसेट तो ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर हो चुका है, और बहुत सारा एसेट लगभग नॉन परफॉर्मिंग हो रहा है। अभी हाल में जब हमारे गवर्नर विदेश में थे उस समय जो चर्चाएं हो रही थी उससे ये निकल के आता है, भले ही वो इसको बता ना रहे हों, कि लगभग 75 लाख में से लगभग 12.5 लाख करोड़ का लोन इस समय स्ट्रेस्ड है, यानी मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है, और ये कुल लोन का 75 लाख करोड़ का करीब करीब 16% है। ये एक अलार्मिंग स्टेज है। और ये जो लोन बैंकिंग प्रैक्टिस नए नए तरीके इजाद कर रही है, ये जो लोन लिया दिया जाता है इसकी कोई करेंसी नहीं है, ये कोई करेंसी नोट्स या उसमें नहीं होता है, ये सिर्फ खाते पे एंट्री होती है। तो वो कितना उसके पास है, कितना वो लोन दे रहा है, कितना उसको वापस मिल रहा है, इस सब में कितना घपला हो सकता है उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके बन रहे हैं जिसका सब मिला के असर, भले ही ये कितनी तरह से हो, लेकिन जो भी लूट होती है